ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक महान भाग्य के साथ पैदा हुआ था। इस दुनिया में उसके जैसा और कोई नहीं था। वो जब पैदा हुआ तो पूरी दुनिया में डिवाइन ड्रैगन का साइन प्रकट हुआ और पूरा आकाश उस ड्रैगन की धार से गूंज उठा। वो एक ऐसा लीजेंडरी बच्चा था जो 1 अरब लोगों में पहली बार डिवाइन ड्रैगन की ब्लेसिंग के साथ जन्मा। उसका नाम जो युआन था, जो जो डायनेस्टी का राजकुमार होता है, पर वो डायनेस्टी के लोग उसकी ये पावर छीनना चाहते थे, इसीलिए वो डायनेस्टी के लीडर वो शुआन ने महल पर अटैक कर दिया। जो युआन के डैड जो किंग उनसे फाइट करने लगे पर वो जीत नहीं पाए, जिससे वो शुआन ने जो युआन के महान भाग्य को निगल लिया और युआन की बॉडी में ड्रैगन पॉइजन फैल गया। उसकी 8 मेरिडियंस भी नष्ट हो चुकी थी, पर युआन वापस से कल्टिवेशन करेगा और वो क्लैन के लोगों से बदला लेगा। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। युआन अब 14 ईयर का हो चुका था। हर 3 सालों में ड्रैगन पॉइजन उसकी बॉडी में इरप्ट होने लगता है, जैसा लिटिल फेक डॉक्टर की बॉडी में वह फुल पॉइजन बॉडी इरप्ट होती थी। हर 3 सालों में उसे काफी दर्द झेलना पड़ता है। आज भी वो दर्द से तड़प रहा था। उसकी माँ किन यू अपने ब्लड एसेंस की मदद से उसका इलाज करती है, जिससे वो ड्रैगन पॉइजन का असर खत्म हो जाता है, पर इससे किन यू काफी कमजोर पड़ जाती है। मास्टर किन भी वहाँ मौजूद थे जो युआन की बॉडी को चेक करते हैं। वो जो किंग और किन यू को बताते हैं कि राजकुमार उस पॉइजन के दर्द से उबर चुके हैं, इसीलिए अगले 3 सालों तक वो ठीक रहेंगे। जो किंग कहते हैं कि आमतौर पर युआन की उम्र के लोग अपनी 8 मेरिडियंस को शेप देकर कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या युआन ने भी अपने मेरिडियंस को शेप दे दिया है? दरअसल इस डोंगवा में किसी भी कल्टीवेटर को सबसे पहले अपने 8 मेरिडियंस को शेप देना पड़ता है, फिर वो उन मेरिडियंस की कल्टीवेशन करता है और एक बार जो 8 मेरिडियंस को खोल लेता है वो 8 ग्रेट मेरिडियंस रियल्म को पार करके क्यू नरिशिंग रियल्म में पहुंच जाता है और उसके बाद की कल्टीवेशन रियल्म आगे बढ़ती रहती है। पर जब तक कोई अपने 8 मेरिडियंस को शेप नहीं दे पाता वो अपने कल्टीवेशन लेवल को नहीं बढ़ा सकता और एक साधारण इंसान बनकर ही रह जाता है। मास्टर की निराश हुए बताते हैं कि मैंने राजकुमार की बॉडी को चेक किया पर मुझे इसकी बॉडी में 8 मेरिडियंस शेप नहीं मिले। इसे जो किंग और किन्यू काफी निराश होते हैं। मास्टर किन कहते हैं कि महारानी आपने युआन की बॉडी को नरिश करने के लिए अपने काफी सारे ब्लड एसेंस को खो दिया, इसीलिए आपको अपना काफी ज्यादा ख्याल रखना होगा। किन्यू कहती है कि युआन के अंदर का पॉइजन हर 3 सालों में इरप्ट हो जाता है। इस बार का जहर पहले से काफी ज्यादा गंभीर था, क्या इस जहर से छुटकारा पाना केवल उसके ऊपर ही डिपेंड है? मास्टर किन कहते हैं कि उराज की 8 मेरिडियंस अभी भी जागृत नहीं हुई है, इसीलिए 3 साल बाद ये जहर और भी ज्यादा मात्रा में इरप्ट होगा। उस वक्त आपका ब्लड एसेंस भी उस ड्रैगन पॉइजन को रोक नहीं पाएगा। मुझे डर है कि उस वक्त राजकुमार की जान खतरे में पड़ जाएगी। इससे किन्यू काफी दुखी होता है। युआन को भी होश आ जाता है। वो कहता है कि क्या अब मेरे पास जीने के केवल 3 ही साल बचे हैं? युआन अपने पास के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो अपने मॉम डैड से पूछता है कि मेरे साथ वास्तव में क्या हुआ है और ये ड्रैगन पॉइजन मेरी बॉडी में कैसे आया। जो किंग उसे विस्तार से बताते हैं कि सालों पहले की बात है जब हमारी ग्रेट जो डायनेस्टी काफी मामूली थी, लेकिन हमारी डायनेस्टी के राइजिंग के 100 सालों में ग्रेट वो इम्पीरियल ने काफी साथ दिया। ग्रेट वो क्लैन का लीडर हमेशा से हमारी बॉर्डर की रक्षा करता हुआ आ रहा था, लेकिन 10 साल पहले वो फैमिली के लीडर वो जुआन की फितरत बदल गई। उसने हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया। सिर्फ 1 साल में उन्होंने हमारे जो कबीले को काफी बुरी सिचुएशन में धकेल दिया, जिससे हमें जो क्लैन के एंसेस्ट्रल लैंड में वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस दिन जब तुम्हारा जन्म हुआ तो आसमान में डिवाइन ड्रैगन का एक सिंबल दिखाई दिया, जिससे हम सभी काफी खुश थे क्योंकि तुम एक पौराणिक दिव्य ड्रैगन के भाग्य के साथ पैदा हुए थे और तुम्हारी 8 मेरिडियंस पहले से ही खुली हुई थी और तुम पहले से ही क्यू नरिशिंग रियल्म में थे। हमारी डायनेस्टी के सभी लोग खुश थे, पर तभी आसमान में सरपेंट और स्पेरो की क्यों दिखाई दी, क्योंकि वो जुआन वहाँ गया था जिसने उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। जो किंग उसे कहते हैं कि तुम एक गद्दार हो। वो जुआन कहता है कि मेरे वो कबीले ने तुम्हारे जो डायनेस्टी की 100 सालों तक सेवा की है, पर अब हमारा वक्त आ गया है। आखिरकार जो कबीले में एक डिवाइन ड्रैगन वाले बच्चे का जन्म हुआ, इसीलिए आज मैं उस भाग्य को तुमसे छीन लूंगा। वो अपने काफी सारे सैनिक के साथ वहाँ आया था और अब उन दोनों
दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो जुआन के सैनिक भी महल पर अटैक कर देते हैं। वो जुआन कहता है कि आज मैं तुम्हारे बेटे के डिवाइन ड्रैगन के भाग्य को निकल लूंगा, जिससे ग्रेट वु डायनेस्टी का उदय होगा। जो किंग उसे जीत नहीं पा रहे थे और वो कमजोर पड़ने लग गए हैं। वो जुआन कहता है कि जिस वक्त तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ उसी वक्त मेरी वाइफ ने भी दो बच्चों को जन्म दिया। इस दिन के लिए हमने काफी इंतजार किया। जिन बच्चों का जन्म एक ही दिन, एक ही महीने और एक ही साल में हुआ हो, उनके भाग्य को आपस में बदला जा सकता है। मैं तुम्हारे बेटे के डिवाइन ड्रैगन क्यू को मेरे बेटे की बॉडी में ट्रांसफर कर दूंगा। जो किंग कहते हैं कि मेरे बेटे का डिवाइन ड्रैगन भाग्य कभी भी तुम जैसे गद्दार के हाथ नहीं पड़ेगा, भले ही आज मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वो जुआन कहता है कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते और तुम्हारी फैमिली भी मुश्किल से जिंदा बच पाएगी, क्योंकि मैंने इस पूरी जगह को घेर लिया है और मैंने इसकी प्लानिंग काफी वक्त से कर ली थी। और अपनी डिवाइन शॉट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। जो किंग उसके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते और उनका एक हाथ कट जाता है। उनके सैनिक भी वो फैमिली के सैनिकों से हार गए थे। वो जुआन कहता है कि अगर तुम अपने बेटे का डिवाइन ड्रैगन फॉर्च्यून मुझे सौंप दोगे तो मैं अपने वो कबीले के पूर्वजों की कसम खाता हूँ कि मैं 100 साल तक ग्रेट जो डायनेस्टी में कदम नहीं रखूंगा। अगर आज तुम मेरी शर्त नहीं मानोगे तो तुम्हारे पूरे जो कबीले का नाश हो जाएगा। जो किंग को विवश होकर उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद वो जुआन ने जो युआन के साथ एक रिचुअल किया और अपनी स्नेक और स्पेरो की क्यू बॉडी की मदद से डिवाइन ड्रैगन को निगल लिया ताकि उसे अपने बेटे के अंदर ट्रांसफर कर सके। उस डिवाइन ड्रैगन के निगलने की वजह से जुआन की बॉडी में ड्रैगन पॉइजन छूट गया था और उसकी 8 मेरिडियंस भी लुप्त हो गई थी। केन्यो दुखी हुई कहती है कि हमें माफ करना, हमारी वजह से तुम्हें काफी दुख हुआ। जुआन उन्हें संभालता है और कहता है क्या आप इतनी कमजोर कैसे हो गई। मास्टर किन बताते हैं कि ड्रैगन पॉइजन से छुटकारा पाने के लिए महारानी आपको हर साल अपना ब्लड एसेंस देती आई है और हर बार ब्लड एसेंस को देने से ये अपने जीवन के 3 सालों को खो देती है और अब इनके पास जिंदा रहने का 10 सालों से भी कम वक्त बचा है। मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। युआन को वो फैमिली पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मैं एक दिन पूरे वो डायनेस्टी को मिटा दूंगा। जो किंग कहते हैं कि तुम्हारी माँ की लाइफ को बढ़ाने का अभी भी एक तरीका है। इस दुनिया में कई सारे कीमती खजाने हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन काल को बढ़ा सकते हैं, पर वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं। मैंने उन होली मेडिसिन की तलाश में ग्रेट जो की कई सारी मैन पावर को खर्च किया पर अभी तक मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। युआन कहता है कि क्या मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं कल्टीवेशन कर सकूं और अपनी पावर को बढ़ा पाऊं, क्योंकि वो जुआन ने अपने एंसेस्टर की कसम खाई थी कि वो 100 सालों तक हमारे जो डायनेस्टी में कदम नहीं रखेगा, पर 100 साल बाद वो हमारे ग्रेट जो डायनेस्टी को मिटाने की कोशिश करेगा और उस वक्त अगर हम पावरफुल नहीं हुए तो हमारे जो डायनेस्टी को खून में डुबो दिया जाएगा। मैं स्ट्रॉन्ग बनकर ये सब बदलना चाहता हूँ। जो किंग इससे खुश होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें खुद पर पूरा विश्वास है तो मैं भी तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। युआन कहता है कि डेट क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे मैं अपनी मेरिडियंस को शेप दे पाऊं। जो किंग कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से निश्चित नहीं हूं, पर मेरे पास एक आइडिया है जिससे मैं तुम्हारे ऑटो मेरिडियन साइन को शायद जगा सकता हूं। युआन कहता है कि भले ही उम्मीद की एक ही किरण क्यों ना हो पर मैं उसे भी 100 बार आजमाऊंगा। वो बताते हैं कि तुम्हें परसों मेरे साथ एंसेस्ट्रल लैंड पर चलना होगा, वहीं हम तुम्हारी मेरिडियंस को खोलने की कोशिश करेंगे, पर जब तक तुम्हें युआन गिल्फ की प्रैक्टिस करनी होगी। गिल्फ दरअसल एक प्रकार के सिंबल होते हैं जो सभी तरह के एलिमेंट को दर्शाते हैं और इन गिल्फ की प्रैक्टिस करने से कोई भी एलिमेंट की मजबूती को प्राप्त कर सकता था। इसलिए जो किंग कहते हैं कि अगर तुम गिल्फ को पीक तक प्रैक्टिस करने में कामयाब रहे तो यह तुम्हारे ड्रैगन पॉइजन को सप्रेस करने में मदद कर सकता है। युआन उनकी बात समझ जाता है। अब हमें ग्रेट जो एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहां जो डायनेस्टी के सभी यंग प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग लिया करते थे। युआन भी बाकी बच्चों के साथ क्लास में मौजूद होता है। मास्टर उन सभी को युआन गिल्फ के बारे में बता रहे थे। वो कहते हैं कि गिल्फ के सिंबल की मदद से हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को लीड करके डाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। युआन ने भी एक गिल्फ को ड्रॉ किया था। तभी क्लास खत्म हो जाती है। सु युवेई नाम की लड़की युआन के पास आती है। वो उसकी काफी अच्छी दोस्त थी। वो एक गरीब परिवार से थी। उनकी पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब युवेई के ग्रैंडपा काफी बीमार
थे, इसीलिए वो मदद लेने आई थी, पर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। उस वक्त युआन ने उसकी मदद की थी और तब से ही वो काफी अच्छे दोस्त थे। युआन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें ग्रेट जो एकेडमी में शामिल होने को कहा और वाकई मेरा ये सुझाव गलत नहीं था। अभी तुम्हें एक साल भी नहीं हुआ है और तुमने अपनी 3 मेरिडियंस को खोज लिया। मेरे डेड भी तुम जैसे जीनियस को खोजने के लिए हमेशा मेरी तारीफ करते हैं। इस साल का ग्रेट कॉम्पिटिशन 2 महीनों में आने वाला है, इसीलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि तुम्हारा कॉम्पिटिशन स्पोर्ट पहले से ही बुक है जो हर किसी को बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तभी वहाँ मौजूद जूली नस्तावा कहता है कि अब वो स्पोर्ट इसके पास नहीं है क्योंकि वो जेट पेंडेंट मैंने हासिल कर लिया। ये देखकर युवान हैरान होता है और युवा से पूछता है कि तुम्हारा जेट पेंडेंट उसके पास कैसे आया। युवे शर्मिंदा होती है। वहाँ मौजूद लिन फेंग नाम का लड़का युआन को बताता है कि राजकुमार ये आदमी जू लिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा था। युवे से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने इसके साथ फाइट की। इन्होंने शर्त रखी थी कि अगर वो हार गया तो ये आपसे माफी मांगेगा और अगर वो जीता तो कॉम्पिटिशन स्पोर्ट का जेट पेंडेंट उसके पास होगा। पर इस गुंडे ने चालाकी से काम लिया और फाइट के दौरान अपनी युआन वेपन को बाहर निकाल लिया जिससे युवे इसका सामना नहीं कर पाई और ये फाइट जीत गया। जूलिन कहता है कि मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं की। राजकुमार युआन अगर आप इस कॉम्पिटिशन स्पोर्ट को हासिल करना चाहते हो तो आपको मुझसे एक फाइट करनी होगी। अगर आप जीत गए तो आप इसे वापस ले सकते हो। लिन फेंग कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि हमारे राजकुमार की मेरिडियंस ने अभी तक शेप नहीं लिया जिससे वो कल्टिवेशन नहीं कर सकते जबकि तुम 2 मेरिडियंस को ओपन कर चुके हो। युआन उसे शांत रहने को कहता है और जूलिन के पास जाकर अपना जूयान पेंडेंट रख देता है और कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। अगर तुम जीते तो मेरा ये जू युआन पेंडेंट तुम्हारा होगा, पर अगर तुम हार गए तो तुम्हें युए को जेट पेंडेंट वापस लौटाना होगा। जूलिन कहता है कि अगर आप खुद ही अपने जू युआन पेंडेंट को खोना चाहते हो तो मैं इसे कैसे चूक सकता हूँ। और वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है और लड़ने के लिए बाहर ग्राउंड में चला जाता है। युआन कहता है कि मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और मैं निश्चित रूप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। यह कहकर वो लड़ने के लिए बाहर ग्राउंड में आ जाता है। ग्रेट जो एकेडमी के कई सारे डिसिपल वहाँ मौजूद थे, वो बातें करते हैं कि राजकुमार युआन ने अभी तक एक भी मेरिडियंस को ओपन नहीं किया और ये सिर्फ युआन पावर के गिल्फ की ही स्टडी करते हैं। क्या ये वाकई उस जूलिन को हरा सकते हैं जिसने 2 मेरिडियंस को ओपन कर रखा हो। जूलिन युआन से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि युवराज आप एक लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश करोगे जबकि आप काफी कमजोर हो। युआन कहता है कि तुम्हें जल्दी ही मेरी पावर का एहसास हो जाएगा। तो जूलिन गुस्से में उस पर अटैक करने आता है पर युआन अपने आयरन स्किन गिल्फ की मदद से उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है। यह देखकर युवे काफी खुश होती है पर लिन फेंग खुश नहीं था क्योंकि यह सब उसका ही प्लान था और वो सभी के सामने युआन को हराना चाहता था ताकि वो युवे के सामने खुद को पावरफुल साबित कर पाए क्योंकि वो उसे पसंद करता था। जूलिन गुस्से में कहता है कि तुम बस इन छोटे मोटे गिल्फ का सहारा ले रहे हो। अब मैं तुम्हें एहसास करवाऊंगा कि एक जीनियस और एक बिना मेरिडियन वाले लड़के में क्या अंतर होता है। और वो अपने दोनों मेरिडियस पावर को एक्टिवेट कर लेता है और तेजी से युआन पर अटैक करने आता है पर युआन गिल्फ के इस्तेमाल से काफी फास्ट था जिससे वो उसके अटैक से बच रहा था और वो कुछ ही देर में जूलिन को हरा देता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। युवे काफी खुश थी, वो कहती है कि युआन ने एक भी मेरिडियस को ओपन नहीं किया फिर भी इसने गिल्फ का इस्तेमाल करके जूलिन को हरा दिया। लिन फेंग काफी गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसका प्लान बर्बाद हो चुका था। युआन अब उस जेट पेंडेंट को जूलिन से ले लेता है और जूलिन से कहता है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति से भी जीत नहीं पाए जिसने अभी तक अपनी मेरिडियंस को ओपन नहीं किया। बेहतर होगा कि तुम खुद को कॉम्पिटिशन में शर्मिंदा ना करो। अब उस पेंडेंट को युवे को वापस दे देता है और उसे कहता है कि अब कॉम्पिटिशन के आने में 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। हर कोई कॉम्पिटिशन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। अगर तुम्हें कल्टिवेशन के लिए रिसोर्सेज की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए उन्हें अरेंज कर सकता हूँ। युवे कहती है कि युवराज आपने मेरी काफी मदद की है, मैं अब अपने खुद के दम पर आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं काफी लकी हूँ जो मुझे आपके जैसा फ्रेंड मिला, पर मैं हर चीज के लिए आप पर डिपेंड नहीं रह सकती। अब वो दोनों वहाँ से निकलने लगते है। युआन युवे को बताता है कि मैं कल अपने डेड के साथ एंसेस्टर लैंड में जाने वाला हूँ जहाँ मैं अपने मेरिडियंस को जागृत करने की कोशिश करूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी अपने
तुम्हारी कल्टिवेशन पर ध्यान दो। वहीं अब हम जुलिन को देखते हैं जिसे लिन फेंग मार रहा था। जुलिन कहता कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो बेकार युआन इतना पावरफुल होगा। लिन फेंग काफी गुस्सा था क्योंकि उसका पूरा प्लान बर्बाद हो चुका था, इसीलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में था। वो उस पर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे वहाँ की वॉल भी टूट जाती है। लिन फेंग वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि क्यूयू नाम का लड़का भी उनकी ये फाइट देख रहा था। फिर अब हमें अलग दिन ग्रेट जो लैंड के एंसेस्टर टेम्पल को दिखाया जाता है, जहाँ जो किंग अपने बेटे युआन को एक सीक्रेट कमरे में लेकर आ गए थे। वो बताते हैं कि हमारे इस एंसेस्टर लैंड के इस सीक्रेट रूम में एक चमत्कार है जो हमारी कई सारी जनरेशन को समृद्ध होने में मदद कर सकता है, और इस चमत्कार को सिर्फ हमारे जो क्लैन की ब्लड लाइन से ही खोला जा सकता है। पर आज तक जो क्लैन का कोई भी एम्परर इस फॉर्मेशन को ओपन नहीं कर पाया, पर मुझे उम्मीद है कि अगर कोई चमत्कार कर सकता है तो वो सिर्फ तुम ही हो। युआन अपनी एक फिंगर को बाइट करके ब्लड निकालता है जिसे वो उन फॉर्मेशन के रूट पर डाल देता है, पर कुछ नहीं होता। इससे वो निराश हो जाता है। उसके डेड भी निराश होते हैं क्योंकि उनके पास यह आखिरी रास्ता था, पर तभी वो ब्लड उस फॉर्मेशन में समाने की वजह से वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर जो किंग खुश होते हैं और कहते हैं कि डिवाइन ड्रैगन की ब्लड लाइन वाकई काफी कमाल की है, पर उस फॉर्मेशन से युआन के चारों तरफ एक प्रिजन बन गया था और कई सारे रून फ्लोटिंग स्टोन एक्टिवेट हो गए थे। जो किंग परेशान हुए कहते हैं कि लग रहा है कि किसी वजह से यहाँ मौजूद फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका है। वो फॉर्मेशन में मौजूद स्टोन युआन पर लाइटनिंग गिराने लगते हैं। जो किंग कहते हैं कि फॉर्मेशन तुम्हारा एक टेस्ट ले रहा है, पर अब युआन पर तेज लाइटनिंग गिरने लगती है जिससे वो कमजोर पड़ने लगता है। जो किंग कहते हैं कि अगर तुम इस फॉर्मेशन की लाइटनिंग को सहन नहीं कर सकते तो तुम इस टेस्ट को छोड़ सकते हो, पर तभी उस पर तेज लाइटनिंग गिरने लगती है जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जो किंग इससे परेशान हो जाते हैं। युआन को पुरानी बातें याद आने लगती है। वो कहता है कि मुझे अपने डेड के कटे हुए हाथ का बदला लेना है और मेरी माँ की लाइफ स्पेन को वापस लाना है। मैं अपने ग्रेट जो के हर एक मरे हुए लोगों का बदला लूंगा, इसीलिए मैं यहाँ नहीं मर सकता। और वो पूरे जोश के साथ खड़ा हो जाता है। वो उन सभी लाइटनिंग को सहन करने लगता है। वो कहता है कि मेरा मेरिडियंस को शेप देने का आखिरी मौका है, मैं इसे गवा नहीं सकता। जो किंग को लगता है कि उसके बेटे की जान खतरे में है, वो उस फॉर्मेशन को अपने स्पेयर की मदद से तोड़ने लगते हैं। पर युआन उन लाइटनिंग को सहन करके इस टेस्ट में पास हो चुका था जिससे वो उस जगह से एक मिस्टीरियस लैंड में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो हैरान हुआ सोचता है कि क्या है कोई इल्यूजन है या फिर मैं उस फॉर्मेशन की वजह से यहाँ गया। तभी वो वहाँ एक लड़की को देखता है जिसका नाम याओ याओ था, जो अपने पेट टून टून के साथ वहाँ आई थी। वो युआन से कहती है कि क्या तुम ही हो जो चमत्कारी मौका चाहते हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।